नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज के वीडियो में हम लोग कंक्रीट ब्लॉक मैसनरी के ऊपर बात करने वाले हैं। सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक, होलो कंक्रीट ब्लॉक और एसी ब्लॉक। पिछले भाग में हमने देखा था कि बर्न ब्रिक मैसनरी, फ्लैश ब्रिक मैसनरी और स्टोन मैसनरी देखा था। अभी हम कंक्रीट ब्लॉक मैसनरी के बारे में बात करने वाले हैं। इन ब्लॉक्स की प्रॉपर्टीज क्या है, ये कौन कौन से साइज में अवेलेबल है, इनके क्या एडवांटेजेस है, इनके क्या डिसएडवांटेजेस है, ये सब आज के वीडियो में हम लोग डिटेल देखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। कंक्रीट ब्लॉक मैसनरी सॉलिड या हॉलो। कंक्रीट ब्लॉक मैसनरी ये जनरली कंक्रीट मैसनरी यूनिट का ही रहता है, जो जनरली मतलब कंक्रीट की ईटे या कंक्रीट के ब्लॉक यूज किए जाते हैं दीवार के कंस्ट्रक्शन करने के लिए। ब्रिक और स्टोन की जगह कंक्रीट के ब्लॉक यूज करते हैं। कंक्रीट ब्लॉक ये जनरली जो चाहिए वो शेप में हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं और उसको मेनली अलग अलग टाइप के साइज जैसे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और ये जो है वो सॉलिड भी रहते हैं और हॉलो ब्लॉक भी रहते हैं। इसमें कंक्रीट ब्लॉक्स के कौन कौन से टाइप है और कैसे यूज करते हैं ये देखेंगे। इसमें स्ट्रक्चर के हिसाब से, शेप के हिसाब से और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के हिसाब से कंक्रीट ब्लॉक दो टाइप में है, एक तो सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक, दूसरा हॉलो कंक्रीट ब्लॉक। और इसमें अभी हम देखेंगे सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक। सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक इधर आपने पिक्चर में दिख रहा है, देखिए सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक का जो बांधकाम दीवार का है वो दिख रहा है। सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक ये जनरली जहाँ हीवी, ये जनरली सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक थोड़े हीवी रहते हैं, हीवी इन्वेट रहते हैं, तो ये जनरली यूज कॉमनली यूज किए जाते हैं और मेनली डेंस एग्रीगेट के हिसाब से डेंस एग्रीगेट यूज करके मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। ये बहुत ही स्ट्रांग रहते हैं और स्ट्रक्चर को अच्छा स्टेबिलिटी देते हैं, मतलब मजबूत रहते हैं और स्ट्रक्चर का भी मजबूती का ध्यान रखते हैं। इसके बाद ये जैसे लार्ज वर्क ऑफ मशीनरी, मतलब लोड बेरिंग वॉल्स जिधर जिधर रिक्वायरमेंट है, जिधर जिधर हैवी मशीनरी या लार्ज वर्क में जरूरी है, या मतलब हीवी लोड है या फिर लोड बेरिंग ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उधर ये सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक यूज किए जाते हैं। ये लार्ज साइज में भी अवेलेबल हो जाते हैं, ब्रिक के हिसाब से ये बड़े साइज में भी अवेलेबल हो जाते हैं। ये एक्चुअली इनका यूज करने से दीवार का जो बांधकाम रहता है वो कम टाइम में भी हो जाता है कंपेरेटिव टू, मतलब ब्रिक के मुकाबले इसका बांधकाम या फिर कंस्ट्रक्शन कम टाइम में हो जाता है। अभी होलो कंक्रीट ब्लॉक, होलो कंक्रीट ब्लॉक का स्केच देखिए इधर, इसमें कैसा है, इधर कुछ होलो पोर्शन दिख रहा है, साइड से कंक्रीट है, बीच में होलो पोर्शन है। होलो कंक्रीट ब्लॉक में जनरली 25% से ज्यादा वॉइड एरिया रहता है, क्रॉस एरिया, मतलब ऐसा है वॉइड एरिया जो है वो टोटल 25% से क्रॉस एरिया से ज्यादा रहता है। इसमें सॉलिड या कंक्रीट ब्लॉक जनरली 50% से ज्यादा चाहिए। हॉलो पार्ट जनरली दो दो भाग में डिवाइड किया जाता है, जैसे अभी ये देखिए ये ब्लॉक है तो इसमें दो भाग है, ये दो भाग है, दो भाग में डिवाइड किया जाता है और जैसे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसका शेप या फिर साइज किया जाता है। ये जनरली लाइट वेट एग्रीगेट से यूज किए जाते हैं। ये लाइट वेट ब्लॉक है और फिक्स करने के लिए बहुत ही इजी है। अभी प्रॉपर्टीज, इसमें साइज देखिए 39 सेंटीमीटर बाय 19 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर। इसमें 39 सेंटीमीटर 19 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर 19 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है सॉलिड ब्लॉक का है, 5 न्यूटन पर मिलीमीटर से ज्यादा है। हॉलो कंक्रीट ब्लॉक का कितना है, 2 से 4 न्यूटन पर मिलीमीटर से ज्यादा है। वाटर एब्सॉर्प्शन 10 से 15% से कम है वेट के हिसाब से।
और डेंसिटी सॉलिड कॉन्क्रीट ब्लॉक का डेंसिटी है 1500 से 2000 केजी पर एम क्यूब, हॉलो कॉन्क्रीट ब्लॉक का डेंसिटी है 1000 से 1500 केजी पर एम क्यूब। एडवांटेजेस, इसमें मेनली ड्रेसिंग वर्क की जरूरत नहीं है, लाइट इन वेट है और स्टील ज्यादा यूज करना नहीं पड़ता, और स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्गर, ब्रिक से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, मतलब मजबूत है। इसमें जो पतली दीवारें रहती है, थिनर या दीवारें रहती है, इसमें पॉसिबल है, या फिर दीवार का थिकनेस जो चाहिए वो कर सकते हैं, इसमें कम से कम दीवार भी कर सकते हैं, तो इसमें इसलिए हम कारपेट एरिया ज्यादा भी दे सकते हैं। और इसमें देखिए साइज का लार्ज है, जॉइंट नंबर ऑफ जॉइंट कम होता है, मोर्टर में हम सेविंग कर सकते हैं, इंसुलेटिंग अगेंस्ट हीट साउंड एंड डार्कनेस है, ये मतलब एज ए इंसुलेटिंग हीट गर्मी साउंड और डैम्पनेस है, उससे इंसुलेट बेस्ट बेटर इंसुलेटिंग अगेंस्ट है। उसके बाद प्लास्टरिंग की जरूरत नहीं है। अभी मोड ऑफ मेजरमेंट, कंक्रीट ब्लॉक जनरली मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर, अब अगर थिकनेस मेंशन किया है तो स्क्वायर मीटर। अभी एएसी ब्लॉक, एएसी ब्लॉक मतलब ऑटोक्लेव्ड एरिएटेड कंक्रीट, एएसी ये जो है वो बहुत ही हल्के मतलब लाइट वेट प्रीकास्ट फॉर्म कंक्रीट बिल्डिंग का मटेरियल है, जनरली कंक्रीट मैसनरी के लिए यूज किए जाते हैं, और ये एज अ ब्लॉक मतलब एएसी ब्लॉक यूज किए जाते हैं। ये मेनली कंपोज ऑफ क्वार्ट्ज एंड कैल्शियम जिप्सम लाइम सीमेंट वाटर और एल्यूमिनियम पाउडर के यूज किया जाता है। एसी प्रोडक्ट जनरली क्योर मतलब पानी मार के हीट के अंदर क्योर किया जाता है, और प्रेशर इन ऑटोक्लेव में इसको प्रेशर किया जाता है। ऑटोक्लेव्ड एरिएटेड कंक्रीट मतलब एसी ये जनरली फाइन एग्रीगेट सीमेंट एक्सपेंशन एजेंट मतलब जो फ्रेश मिक्सर को भी करके यूज किए जाते हैं। इसमें जनरली टाइप ऑफ कंक्रीट कंसिस्ट 80% एयर, और ये फैक्ट्री वेर जिस फैक्ट्री में ये बनाते हैं, ये इसमें मटेरियल एक मोल्ड में बना करके कट करते हैं, और अलग अलग डायमेंशन के हिसाब से अपने को मिल सकते हैं। अभी स्पेसिफिकेशन देखिए, 600 बाय 200 बाय साइज है, 625 बाय 200 है, 625 बाय 240 है, ये सब मिलीमीटर में, थिकनेस 50, 75, 100, 125, 150, 200, 225, 230, 300 मिलीमीटर, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 3 न्यूटन पर मिलीमीटर से ज्यादा है, और ओवन ड्राई डेंसिटी 550 से 650 kg/m³ है। ये एसी ब्लॉक जनरली क्यूबिक मीटर में मेजरमेंट करते हैं। अभी साइज ऑफ एसी ब्लॉक देखिए, 600 बाय 200 बाय 125, 600 बाय 250 बाय 200, 600 बाय 300 बाय 100, 600 बाय 300 बाय 150, 600 बाय 300 बाय 200, 600 बाय 300 बाय 250। साइड में इधर स्केच दिख रहा है, देखिए एसी ब्लॉक कैसे लगाया है। जैसे एसी ब्लॉक है इको फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है, और जनरली जहां ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट है, जहां ग्रीन बिल्डिंग हमारे सर्टिफाइड है, ये लाइट वेट लोड बेरिंग और हाई इंसुलेटिंग एजेंट है और ड्यूरेबल भी है, तो इट इज ये 3 टाइम्स लाइटर व्हेन कंपेयर टू रेड ब्रिक्स, मतलब ये जो क्ले ब्रिक्स ईटे है उससे 3 टाइम लाइटर मतलब हल्की है, हल्के। एडवांटेजेस, एसी ब्लॉक का एडवांटेजेस क्या है, ये इको फ्रेंडली है, सस्टेनेबल है, मेनली इसका यूज रिसाइकल्ड इंडस्ट्रीज वेस्ट फ्लैश, नॉन टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स, नो एमिटिंग ग्रासेस, फ्यूअर एनर्जी कंजम्पशन मेक्स एसी ब्लॉक इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल। मेनली मतलब नॉन टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स है, मेनली गैस इसमें नो एमिटिंग गैसेस है, फ्यूअर एनर्जी कंजम्पशन है, इसलिए ये इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल है। लाइट वेट है, ये जनरली 3 से 4 गुना लाइटर है ब्रिक से, मतलब ईटा से 3 से 4 गुना लाइटर है, 30% लाइटर देन कंक्रीट, जिसमें वो डेड लोड जो रहता है, रिड्यूसिंग डेड लोड वो
बिल्डिंग हम बिल्डिंग का डेड लोड हम इससे कम कर सकते हैं, इसलिए हम कंस्ट्रक्शन टॉलर बिल्डिंग को भी इसका यूज होता है। थर्मली इंसुलेटेड एंड एनर्जी एफिशिएंट, ये टाइनी एयर प्रेजेंस मतलब मेनली ये थर्मल मास ऑफ ब्लॉक्स प्रोवाइड एक्सलेंट थर्मल, ये जो एसी ब्लॉक्स है एक्सलेंट थर्मल इंसुलेटर इंसुलेटर्स है, ते मेनली वो क्या करते हैं हीटिंग रिड्यूसिंग हीटिंग एंड एयर कंडीशनिंग कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का जो हीटिंग और एयर कंडीशनिंग कॉस्ट है वो कम करते हैं। चौथा है फायर रेजिस्टेंट, ये फायर रेजिस्टेंट है, फायर रेजिस्टेंट अप टू 1600 डिग्री सेल्सियस व्हिच कैन विदस्टैंड अप टू 6 आवर्स ऑफ डायरेक्ट एक्सपोजर। अकॉस्टिक परफॉर्मेंस, ये एसी ब्लॉक ये जो नेचर में पोरस है इसलिए साउंड एब्सॉर्प्शन क्वालिटी ये अच्छी है, साउंड एब्सॉर्प्शन क्वालिटी अच्छी होने की वजह से ये एकॉस्टिक परफॉर्मेंस में बेटर है, ये जनरली एकॉस्टिक की इसका प्रॉपर्टी की वजह से जनरली स्कूल हॉस्पिटल्स होटल्स ऑफिसेस मल्टीफैमिली हाउसिंग एंड अदर स्ट्रक्चर में भी यूज किए जाते हैं। इजी वर्कएबिलिटी एंड डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी, एक ब्लॉक का कंस्ट्रक्शन करने का प्रोसेस बहुत इजी है, इजीली कट ड्रिल्ड नेल्ड एंड माइल्ड फॉर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट। सिस्मिक रेजिस्टेंस, ये लाइट वेट ब्लॉक्स स्ट्रक्चर का वेट कम करते हैं, तो इट इज अर्थक्वेक जो भूकंप है उसका भी इम्पैक्ट कम करते हैं बिल्डिंग में, तो ये नॉन कम्बस्टेबल नेचर प्रोवाइड्स एन एडवांटेजेस, ये जो है फायर मतलब आग के खिलाफ भी ये ऐसा एडवांटेजेस है, ये जनरली अर्थक्वेक रेजिस्टिंग में भी यूज किया जाता है। फास्टर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ये जो मानकाम रहता है एसी ब्लॉक का ये कंस्ट्रक्शन टाइम 20% से कम कर सकता है, मतलब इतना फास्ट कर सकते हैं कंपेरेटिवली ब्रिक्स अदर। ये जो अलग अलग टाइप्स के ब्लॉक्स अलग अलग साइज के ब्लॉक्स है नंबर ऑफ जॉइंट्स ये हम कम कर सकते हैं, इसमें लाइटर वेट ऑफ ब्लॉक्स मेनली इजी रहता है और फास्टर ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लेस करने के लिए मतलब कैरी करने के लिए आपको इधर से उधर वर्कर्स के लिए भी इजी रहता है, तो फास्टर कंस्ट्रक्शन होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है इसमें, इंस्टॉलेशन ड्यूरिंग रेनी वेदर मतलब बारिश के सीजन में, रेनी वेदर के समय एयर क्रिटीज टू क्रैक आफ्टर इंस्टॉलेशन मतलब क्रैक आने की संभावना रहती है, वो मेनली कब कैसे करते हैं रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ऑफ मॉर्टर इंश्योरिंग ब्लॉक्स आर ड्राई, मतलब मॉर्टर का स्ट्रेंथ कम करके और ब्लॉक जो है वो इंस्टॉलेशन से पहले और इंस्टॉलेशन के बाद भी ड्राई है, इसका गारंटी करने के बाद हम उसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ये मेनली ब्रिटल इन नेचर तो हैंडल करते समय सावधानी से हैंडल करना पड़ता है, नहीं तो टूटने का चांसेस रहता है, ये केयरफुली हैंडल करना पड़ता है ब्रिक और अदर कंपैरेटिवली अदर ब्लॉक्स के कंपैरेटिवली ये केयरफुली हैंडल करना पड़ता है टूटने से बचाने के लिए। इसका मेनली ब्रिटल नेचर जो है वो मेनली लॉन्गर थिनर स्क्रूज एंड फिटिंग कैबिनेट्स एंड वॉल हैंगिंग्स सुटेबल ड्रिल्स मेनली ब्रिटल नेचर है, उसका सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है जिसके लिए स्क्रू थिनर स्क्रू फिटिंग कैबिनेट्स और हैंगिंग्स के लिए ये यूज करना पड़ता है, तो मेनली एक डिसएडवांटेज है ब्रिटल नेचर। इंसुलेशन रिक्वायरमेंट, बिल्डिंग में जो इंसुलेशन रिक्वायरमेंट रहते हैं अभी ये नॉर्थ का वगैरह दिया है इसमें बहुत थिक वॉल वगैरह रहता है एसी लोग, तो मेनली बिल्डिंग में ये यूज करते समय ट्रेडिशनल बिल्डिंग में ये यूज करना थोड़ा अवॉइड करते हैं, तो इंसुलेशन अराउंड इंटर जहाँ यह है वहाँ ये ब्लॉक यूज करना थोड़ा वो अवॉइड करते हैं इंसुलेशन रिक्वायरमेंट इन योर बिल्डिंग कोड्स। अभी कॉन्क्रीट ब्लॉक मशीनरी कैसे यूज करते हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्क्रीट ब्लॉक जो रहते हैं उसमें साइज शेप कॉन्क्रीट का सेपरेटली मेजर करते हैं स्क्वायर मीटर या क्यूबिक मीटर, अगर थिकनेस दिया है तो स्क्वायर मीटर नहीं तो क्यूबिक मीटर, स्पेशल यूनिट रिक्वायर्ड कॉर्नर जैम्स हेड्स
सील्स अदर सिमिलर सेपरेट मेजरमेंट करते हैं। कंक्रीट कोर फील्स बॉन्ड बीम्स क्यूबिक फीट और क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं। इसमें स्ट्रेंथ क्या है, टाइप ऑफ कंक्रीट क्या है वो कंसिडर करके ये सेपरेटली मेजर करते हैं कंक्रीट ब्लॉक के अलावा। इसमें जनरली लीनियर मेजर जो कुछ लीनियर फीट मीटर्स प्रोसेसिंग स्टील जो रहता है, कोर फीट्स रहता है, बॉन्ड बीम्स रहता है, साइज टाइप एंड रीबार वो सब अलग से यूज कर मेजर करते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।